हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय किचन। सो आज है संडे और आज काफ़ी बिजी डे रहने वाला है। सो मैं फटाफट से चाय बना रही हूँ, चपाती बना रही हूँ और क्यू की भाजी भी बना रही हूँ, बिकॉज आज मेरा खाने का मन कुछ और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले फटाफट से हम काम फिनिश कर लेते हैं एंड देन टुडे इन द इवनिंग वी हैव टू गो टू अ बर्थडे पार्टी बेसिकली। तो वो होगा अराउंड लाइक 4-5 o'clock को हमें जाना है, लेकिन उसके पहले मुझे अमेजोन का मेरा हॉल वीडियो शूट भी करना है, एडिट भी करना है और अपलोड भी करना है। सो बहुत ही बोलते ना जाम पैक डे होने वाला है। सो इसीलिए मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद हम बनाएंगे लंच। तो लंच में बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ एक सिंपल वन पॉट मील जैसा बना दो। सो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग शेजवान राइस। ना ये वो तीखा वाला शेजवान राइस नहीं होगा जैसे आपको होटल्स में मिलता है, ये मेरा वर्जन ऑफ शेजवान राइस है, जिसमें आज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई सब्जी भी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ कांदा और टमेटोज का यूज करके शेजवान मसाला डालकर उसको लाइक काइंड ऑफ लाइक अ फ्राइड राइस बना दूंगी। एंड देन काफी दिन से मेरा मन था जो सेवैया की खीर है वो भी बना दूं। सो दोज टू थिंग्स आई विल बी मेकिंग फॉर लंच, सो दैट लंच एकदम इलाबरेट भी ना हो और फटाफट से बन भी जाए। लेकिन ये मैं गैस पर नहीं बनाऊंगी, ये मैं बनाऊंगी एक स्पेशल यूटेंसिल में विच इज बाय अगारो। सो दिस इज द अगारो इलेक्ट्रिक कुकर विच कम्स इन दिस काइंड ऑफ अ पैकेजिंग। तो ये बहुत ही अमेजिंग कुकर है फॉर एनीबडी, लाइक यू नो अगर आप बैचलर हो, अगर आपके घर पे यू नो इफ यू टेंड टू लाइक मूव क्विकली, मतलब प्लेसेस आप यू नो प्लेस ऑफ रेसिडेंस आप चेंज करते रहते हो, और अगर आपके घर में गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है, गैस कनेक्शन नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है, तो पहले मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ, इसके बाद जब हम लंच बनाएंगे तभी मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सो यहाँ पे हमारा चाय बनके रेडी हो रहा है, यहाँ पे है क्यू की थोड़ी सी सब्जी एंड यहाँ पे अभी मैं चपातियाँ बनाऊंगी। सो सब्जी बन जाने के बाद मैंने अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैं डोसे बना रही हूँ, तो मुझे डोसा खाना बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट में। सो यहाँ मैं क्विकली एक तरफ डोसा बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैं चपातियाँ बनाऊँगी एंड इससे है ना तो काम एकदम क्विक हो जाता है, बिकॉज साइमल्टेनियसली वहाँ पे डोसा भी बन जाता है और यहाँ पे चपातियाँ भी बन जाती है। सो वो सब मैंने करके फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी ख़त्म कर लिया अपना। ओके गाइस, तो मेरा नाश्ता अभी हो चुका है एंड अब हम स्टार्ट करेंगे लंच की तैयारी। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आज हम लंच बनाएंगे अगारो के रीगल इलेक्ट्रिक मल्टी कुकर में। तो सबसे पहले मैं इस कुकर के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ एंड देन उसके बाद हम लंच प्रिपेयर करेंगे। सो अगारो रीगल इलेक्ट्रिक मल्टी कुकर आता है 1200 वॉट्स पावर के साथ और ये परफेक्ट है टू कुक राइस, पुलाव, वेजिटेबल्स या बॉइलिंग के लिए भी। ये है इसका मेन यूनिट जिसके ऊपर है ये ग्लास लिड जो आता है स्टीम वेंट के साथ भी। इसके अंदर है ये 3 लीटर कैपेसिटी का नॉनस्टिक एल्युमिनियम कुकिंग पॉट जो इजीली निकल जाता है और ये है इसका हीटिंग बेस। ध्यान दें कि इस पे आप पानी ना लगने दें। ये आता है कूल टू टच हैंडल्स के साथ भी और इसके साथ मिलेगा आपको ये मेजरिंग कप और ये स्पैचुला भी जो सर्विंग के लिए भी यूजफुल है। इसमें आता है एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल, सो ये है इसका ऑफ बटन। नेक्स्ट इस पे लो, मीडियम और हाई डिनोटेड है जिससे आप इस बटन की मदद से सेट कर सकते हैं। कुकिंग के दौरान भी आप ये टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। और इसमें आता है ये पावर कॉर्ड भी जिसको आपको पावर सोर्स में कनेक्ट करना है। मेन यूनिट के नीचे दिया हुआ है ये 3 एंटी स्किड फीड्स भी जिससे कि ये कुकर बिल्कुल भी नहीं हिलता है। सो चलिए बनाते हैं सेवैया की खीर। तो कुकर को मैंने मीडियम पे टेम्परेचर सेट कर दिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी के एंड एक बार ये घी पिघल जाए तो उसके बाद मैं डालूँगी ये सेवैया 1 कप जो इस कप के कुकर के साथ आता है, वही 1 कप सेवैया मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मैं रोस्टेड सेवैया ले रही हूँ तो इसलिए मुझे इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये ऑलरेडी भुना हुआ सेवैया है। फिर भी मैं इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनी हूँ। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें 2 कप पानी, जो कप इसके साथ आता है उसी के 2 कप पानी मैं डालूँगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेवैया अच्छे से पक रही है। आफ्टर यू नो समटाइम ढक्कन भी मैंने डाल दिया तो यहाँ पे मैं ढक्कन उठा के देख रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी पूरी तरीके से सूख चुका है एंड हमारा जो सेवैया वो भी अच्छे से सॉफ्ट और कुक्ड हो चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी 3 कप दूध
वही कप का मेजर मैंने लेके यहाँ पे 3 कप दूध यहाँ पे डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर, और अराउंड 1/4 कप का मैं इसमें चीनी डालूंगी। और अब इसको मैं अच्छे से बॉयल होने दूंगी। बहुत अच्छा सा इसमें बॉयल आना चाहिए। एक बार बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आ गया तो ही आप समझ जाइए कि ये पक चुका है पूरी तरीके से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है एंड एट दिस पॉइंट इट इज़ कम्प्लीटली रेडी। सो मैं बस इसकी अभी प्लेटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स पे डाले हुए हैं, कैश्यू डाला है, आलमंड्स डाला है एंड इस तरीके से मैंने इसको सजाया है। एंड ट्रस्ट मी ये बहुत क्विकली बन जाता है, इट हार्डली टेक्स 10 to 15 minutes और ये बहुत टेस्टी होता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे जो मेरा शेजवान फ्राइड राइस का प्लान था वो, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप राइस। तो यहाँ पे 1 कप राइस मैंने इस उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी, जिसमें मैंने जो वॉश किया हुआ राइस वो भी डाल रही हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन बस इसको हम मीडियम टेम्परेचर पर पकने देंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने बीच में सॉल्ट भी डाला था, तो आप भी डाल दीजिएगा। तो ये मीडियम फ्लेम पर मैक्सिमम आई थिंक 7 मिनट्स में पक चुका था और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से राइस पक चुका है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच तेल का एंड देन हम डालेंगे लहसुन। तो ये मैंने थोड़े से लहसुन काट के रखे थे, तो सबसे पहले हम लहसुन को भून लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 स्पून ऑफ जीरा एंड देन वील ऑल्सो एड 1 स्पून ऑफ राई। तो यहाँ पे मैं बस उसको थोड़ा सा फ्लटर होने दे रही हूँ, जब तक वो राई फ्लटर हो जाए तब तक आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करी लीव्स एंड साथ में मैं कांदा भी डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कांदा लिया हुआ है, बिकॉज मैं बस अपने लिए बना रही थी तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, इतना ज़्यादा मैं क्या बनाऊँ, इसलिए बस थोड़ा 1 कांदे से मेरा काम हो गया यहाँ पे। और मैं कांदे को अच्छे से भून रही हूँ ताकि वो अच्छे से पक जाए और गल जाए। यहाँ पे हमारा कांदा ऑलमोस्ट थोड़ा सा गल चुका है, सो एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू ऐड टमेटोज। फिर अगेन जो टमेटोज़ मैंने डाला हुआ है उसको भी मैं अच्छे से पका रही हूँ ताकि टमेटोज़ में से भी वो पानी छूट जाए और अच्छे से वो सॉफ्ट और सॉगी हो जाए। तो यहाँ पे बस अच्छे से स्लोली स्लोली टमेटोज़ को भून रही हूँ एंड एट दिस पॉइंट आप सारे जो सूखे मसाले हैं वो डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैंने हल्दी डाली है एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड दिस शेजवान फ्राइड राइस मसाला। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा गाइस, बहुत सिंपल है और इसका आपके हिसाब से आपको जितना तीखा चाहिए या कम तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप 1 या 2 चम्मच इस शेजवान पाउडर का डाल सकते हैं। बस उसके बाद आप नमक डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार एंड देन जस्ट लेट दिस मिक्सचर कुक। ये इस मसाले को अच्छे से भून दीजिए ताकि बिल्कुल भी कोई भी तरीके का कच्चापन ना रह जाए। बस फिर इसके बाद आप इसमें राइस ऐड कर दीजिए एंड देन इसको बहुत ही जेंटली अच्छे से दोनों को मिलाइए, मतलब जो मसाला है और राइस को मिलाइए। तो इस तरीके का जो फ्राइड राइस होता है, इस तरीके का जो मिक्स्ड वेज राइस होता है, आप इसमें कोई भी टाइप का वेजिटेबल्स डाल सकते हो पहले। सो बेसिकली इस तरीके से जब आप स्टीम राइस और मसाले को मिक्स करते हो तो वो राइस थोड़ा सा खिला हुआ रहता है, वो सॉगी नहीं फील होता है और जो मसाले का जो टेस्ट है राइस में बेटर फील होता है, इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड। तो इस तरीके से बनाना, जो भी टाइप का फ्राइड राइस बना लो, मिक्स्ड वेज पुलाव बना लो, बिरयानी स्टाइल बना लो, तो भी बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो शेजवान फ्राइड राइस है वो बनकर रेडी हो चुका है। आई नो इट्स नॉट अ टिपिकल शेजवान फ्राइड राइस, बट दिस इज हाउ द वे आई लाइक टू ईट इट। एंड यहाँ पे बस मैंने प्लेटिंग कर दी है एंड बस मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इजीली और क्विकली बस आधे घंटे में ही हमारा क्विक लंच रेडी हो चुका है। सो दिस इज़ आर खीर एंड फ्राइड राइस राइट हियर। तो सो खाना तो हमारा बन चुका है, अब टाइम है इसको क्लीन करने का। तो आपको सिर्फ ये जो कुकिंग पॉट है ये पूरी तरीके से ठंडा होने का वेट करना होगा और उसके बाद ही इसको आप पानी से धो सकते हैं। इसका भी जो स्क्रबर आप यूज़ करोगे, प्लीज़ स्टील स्क्रबर ना यूज़ कीजिए, एकदम सॉफ्ट स्क्रबर से ही इसको धो दीजिए वरना इसका कोटिंग निकल सकता है। और ये जो मेन यूनिट है इसको तो आपको बिल्कुल पानी नहीं लगाना है, इसको बस बाहर से आप सूखे कपड़े से ही पोंछ सकते हैं। प्लीज़ इंश्योर कि इस जो ये जो बेस है इसको बिल्कुल भी पानी ना लगने दे। एंड इसके बाद फिर मैंने तैयार हो गई एंड यहाँ पे मैं अभी क्यू को भी तैयार कर रही हूँ।
सो यहाँ पे मैंने उसका ड्रेस पहना दिया था, सो शी वॉन्टेड टू वेयर समथिंग लाइक एथनिक, उसको फ्रॉक्स नहीं पहनने थे, तो यहाँ पे मैं उसको भी ये जो उसका सलवार सूट टाइप का है वो पहना रही हूँ, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू गेट रेडी। देन यहाँ पे मैं उसका हेयर स्टाइल बना रही हूँ, बिकॉज अगेन शी लव्स हेयर स्टाइल्स ऑल्सो, उसको सिंपल सा छोटी नहीं पसंद है, उसको हेयर स्टाइल पसंद है। एंड यहाँ मैं कम्प्लीटली रेडी होके गिफ्ट लेके बस मेरी सिस्टर का वेट कर रही थी ताकि हम उनके कार में एक साथ ही चले जा सके बर्थडे पार्टी में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कियारा ऑल्सो लव्स यू नो लुकिंग हर सेल्फ इन द मिरर, एंड हियर वी जस्ट हैड अ क्यूट लिटिल स्वीट मोमेंट मम्मी एंड डॉटर बिकॉज वी बोथ लव गेटिंग रेडी। एंड देन वी रीच्ड द बर्थडे वेन्यू, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन किया था। सो ये जो बेबी है उसकी मम्मी ने एवरी मंथ, ओके एवरी मंथ ऑन हिज बर्थडे शी मेड श्योर दैट उसको बहुत ही अच्छे से सजा के यू नो एक पिक्चर क्लिक किया एवरी मंथ के बर्थडे पे। सो यहाँ पे उन्हीं पिक्चर्स का एक्चुअल यू नो फोटोज जो है उन्होंने उसी से डेकोरेशन किया है, बेसिकली एक हार्ट बनाया है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा यू नो इनोवेटिव आइडिया लगा टू डेकोरेट ऑन योर चाइल्ड्स फर्स्ट बर्थडे। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इसमें क्रिएटिविटी होनी पड़ेगी बिकॉज ये हर महीने को अलग अलग थीम बना के वो पिक्चर्स को फिर लेके फर्स्ट बर्थडे पे डालना, इट्स लाइक ट्रूली वेरी क्रिएटिव। एंड दिस वाज द एंटायर यू नो डेकोरेशन, एंड देन दिस इज द बर्थडे बॉय एंड ही हैज द मोस्ट स्वीटेस्ट एंड क्यूटेस्ट स्माइल, एंड ही वाज अ वेरी हैप्पी चाइल्ड दैट डे। एंड बाकी बच्चों के जैसे नहीं था कि वो फर्स्ट ही बर्थडे पे रो रहा था, ही वाज एंजॉयिंग। एंड यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन हो रहा है ऑफ द पेरेंट्स एंड द बेबी, and then he also had like a few selfies you know basically alone clicks which was very essential। and yahan pe wo log birthday cake cut kar rahe hain, like you guys can see here he was super happy and very smiley, and yahan pe unka birthday cake cut ho raha hai। and then after this we also had you know our own photo sessions, and the kids were just playing with him and he was basically having a good time। and then humne bhi jaake maine aur kiara ne bhi jaake pictures click kara diye, bas uske baad dinner kar liya aur fir hum sab ghar aa gaye। abhi hum sab ghar jayenge। Did you enjoy? All of you enjoyed? Yeah!